हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज मिसलेनियस वन। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स ए इज दिस, सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। सो आपके पास मैट्रिक्स गिवन है जो कि इक्वेशन कौन सी सेटिस्फाई कर रही है, ये वाली, ठीक है। आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एक्स वाई जेड की। सो आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में ए ट्रांसपोज्ड मल्टीप्लाई विद ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो ए मैट्रिक्स जिस ऑर्डर की है, आप आइडेंटिटी ऑर्डर भी इक्वल्स टू उसी ऑर्डर का रखेंगे, राइट। सो दैट मीन्स अगर ए मैट्रिक्स मेरी 3x3 ऑर्डर की है, तो आपकी जो आइडेंटिटी है वो भी i3 ऑर्डर की होगी, राइट। सो अब मैं इस इक्वेशन में अपनी वैल्यूज डाल देती हूँ। ए मैट्रिक्स मेरे पास ऑलरेडी है, ए ट्रांसपोज हम ए मैट्रिक्स की हेल्प से इजिली फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। सो ए ट्रांसपोज की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। सो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, व्हाट यू विल गेट, वैल्यू ऑफ योर एक्स वाई एंड जेड। सो लेट्स फाइंड दिस। सबसे पहले हम इन टू मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करते हैं। सो दिस रो मल्टीप्लाई विद दिस कॉलम, सो व्हाट आई विल गेट। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग दीज टू मैट्रिसेस आपको कुछ इस तरह से वैल्यू मिलेगी। अब हम इसे सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देते हैं। सो यहाँ पे 2x² हो जाएगा, यहाँ पे 0, 0, यहाँ पे भी वैल्यू 0, इसमें क्या होगा 6y², दिस वैल्यू 0, दिस वैल्यू अगेन 0, दिस इज 3z² एंड इक्वल्स टू दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके टू मैट्रिसेस इक्वल में हैं, आप इनकी एलिमेंट्स इक्वल रख सकते हैं टू फाइंड योर वैल्यू। सो आपके बाकी के वैल्यूज क्या हैं, एलिमेंट्स क्या हैं, 0 है एज इट इज। सो आप इन वैल्यूज को किसके इक्वल रख सकते हैं, 1 के इक्वल। सो व्हाट आई विल गेट, 2x² = 1 एक इक्वेशन आएगी, 6y² = 1 एक इक्वेशन आएगी एंड 3z² = 1 एक इक्वेशन आएगी। सो इन इक्वेशन को सॉल्व करते ही आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। सो x² = 1/2, y² = 1/6, z² = 1/3। सो x² है इधर, सो अगर मैं x² को उधर भेजूंगी तो रूट पे चढ़ जाएगी वैल्यू। सो प्लस माइनस √2 y की प्लस माइनस 1/√6, सो z² = ± 1/√3। सो रूट की वैल्यू 1 पर भी है, लेकिन √1 इज ऑलवेज 1, सो दैट इज वाई 1 की वैल्यू मैंने एज इट इज लिख दी है और इन पे रूट लगा दिया है साथ में प्लस माइनस। आई होप यू गेट योर आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स दिस इज इक्वल्स टू 0। सो आपकी एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू आएगी जिसके कारण ये जो है आपके थ्री मैट्रिसेस जो प्रोडक्ट हो रहे हैं इक्वल्स टू आई 0। सो आपके पास ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे, व्हाट वैल्यू यू विल गेट, एक्स वैल्यू। सो वही आपको फाइंड आउट करनी है। सो हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व कर रही हूँ। सो मैं फर्स्ट इन टू मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। सो आप ध्यान रखें, जब आप इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे इसके हर एक कॉलम के साथ, आपको क्या वैल्यू मिलेगी, इस तरह से सेम जैसा ये मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स है, सेम आपको इसी तरह से वैल्यू मिलेगी जब आप इन टू मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पर फर्स्ट ही रो है और फर्स्ट रो है तभी आपके पास फर्स्ट रो ही फिल आउट होगी और उसका हर एक एलिमेंट किस तरह से आएगा, हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने पर। सो दिस रो मल्टीप्लाई विद दिस कॉलम आपको ये एलिमेंट मिलेगा, दिस रो मल्टीप्लाई विद दिस कॉलम आपको ये एलिमेंट मिलेगा, दिस रो मल्टीप्लाई विद दिस कॉलम आपको ये एलिमेंट मिलेगा। अगर नेक्स्ट रो होती तो यहाँ पर वैल्यूज आगे आती। सो एज यहाँ पे कुछ नहीं है, सो आपकी ये सिर्फ फर्स्ट रो वन रो वाला मैट्रिक्स बनेगा, राइट। सो हम फिल करते हैं ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज। सो अगेन जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास अब नेक्स्ट इन टू मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ओनली वन एलिमेंट, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट रो है और आपके पास यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट कॉलम है। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जब आप मल्टीप्लाई करते हो हमेशा आपको फर्स्ट एलिमेंट मिलता है। सो बस यहाँ पर और कुछ है नहीं, और कॉलम्स और रोज होती तो और मैट्रिक्स बड़ा बनता, लेकिन ये सिर्फ वन एलिमेंट का मैट्रिक्स बनेगा। सो दैट इज 6×0, 0 +2×2, दैट इज 4 +4x = 0। सो ये ऑब्वियसली 0
मैट्रिक्स की फॉर्म में, वन एलिमेंट की फॉर्म में आपने लिखा है, अगर यहाँ पे सपोज 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आती तो यहाँ पे आप जीरो भी 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का बनाते। सो यहाँ पे वन एलिमेंट है, यहाँ पे मैंने जीरो मैट्रिक्स भी वन एलिमेंट का बनाया। सो एज यहाँ पे टू मैट्रिसेस इक्वल हैं, आप इनके एलिमेंट्स भी इक्वल रख सकते हैं। सो दैट मीन्स 4+4x इज इक्वल्स टू जीरो। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर एक्स की वैल्यू आएगी -1। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या फाइंड करना है, शो करनी है दिस इक्वेशन इक्वल्स टू जीरो आनी चाहिए, जबकि आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है। सो ए स्क्वेयर -5 ऑफ ए +7 ऑफ आइडेंटिटी। सो ए स्क्वेयर आप इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे ए डॉट ए के साथ, राइट? आपको ए स्क्वेयर की वैल्यू मिल गई, आप यहाँ पे पुट कर दीजिए -5 टाइम्स ऑफ ए +7 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी, राइट? आप वैल्यूज पुट करें, आपको वैल्यू मिल जाएगी। आई होप दिस इज वेरी इजी, यू कैन डू इट ऑन योर ओन ऑल्सो। एंड क्वेश्चन 9 भी बिल्कुल क्वेश्चन 7 की तरह सेम है, यू कैन डू इट ऑन योर ओन। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।